नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं गुरु विद्या। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वागत करता हूं गुरु विद्या प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ध्वनि का परावर्तन। हमारा साउंड वेव चल रहा है चैप्टर, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए, जिस तरह से क्या होता है लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन होता है, सिमिलरली उसी तरह से क्या होता है ध्वनि का भी परावर्तन होता है। और ध्वनि भी क्या होती है, किसी भी सतह से या सरफेस से परावर्तित होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब प्रकाश का परावर्तन पड़ रहे थे तो वहाँ पे एक स्मूथ और एक चिकने सरफेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे जब हम ध्वनि की बात करते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये किसी भी पृष्ठ से परावर्तित हो सकती है। किसी भी पृष्ठ का मतलब ये हो सकता है कि ये एक मतलब स्मूथ सरफेस से भी परावर्तित हो सकती है, ये दीवार से भी परावर्तित हो सकती है, ये पहाड़ से भी परावर्तित हो सकती है, पृथ्वी तल से भी परावर्तित हो सकती है, कारपेट से भी। कारपेट तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये किसी भी पृष्ठ से परावर्तित हो सकती है। तो चलिए, तो ये है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि की प्रकाश की भांति इसमें भी क्या होगा, परावर्तन होगा। सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, वो क्या था कि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है वो इस सरफेस पे आपतित हो रही है, तो यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये अगर नॉर्मल है तो यही तो था परावर्तन। ठीक है, वापस क्या हो जाती है भाई, उसी माध्यम में वापस, जैसे ये है आपका सरफेस और प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, तो वो क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। यही तो परावर्तन था प्रकाश में। सिमिलरली यहाँ पे भी यही परावर्तन है, यही रूल्स हैं। ठीक है, ये होता है इसका नॉर्मल। तो चलिए, अगर ये रूल्स हैं तो हम पढ़ लेते हैं परावर्तन ध्वनि में और किस तरह से हो सकता है कि ध्वनि किसी भी पृष्ठ से परावर्तित होगी। और लेकिन इसका क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और अगर प्रकाश ध्वनि तरंगों की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये बड़े तरंगों से ज़्यादा परावर्तित होती है। रीज़न ये कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, छोटे छोटे जो अवरोधक आएंगे, उनको तो पार कर जाएगा आसानी से, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन बड़े अवरोधक जैसे पहाड़ होगा या फिर दीवार होगा या पृथ्वी तल होगा, उनको पार करने में इसको भी क्या होगा, दिक्कत होगा। कहने का मतलब, इसका सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप जो घरों में मिरर यूज़ करते हो अपना चेहरा देखने के लिए, उस मिरर के सामने रखिए अपने, और उसके सामने कुछ बोलिए, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा ऑब्स्टेकल है। क्लियर हुआ? लेकिन अब आप क्या करिए, उसको जो सनलाइट आ रही है उसके सामने करिए, तो वो प्रकाश को बिल्कुल अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। प्रकाश को क्या करता है, एक घड़ी का जो आपका डायल होता है वो भी रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन वो ध्वनि को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो छोटे ऑब्स्टेकल से वो क्या होती है, परावर्तित तो होती है, लेकिन अपने को बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। और ये क्या करती है, ऑब्स्टेकल को क्या कर देता है, पार कर देता है, छोटे ऑब्स्टेकल जो है। लेकिन बड़े अवरोधक, मान लीजिए कि दीवार है या फिर पहाड़ है, उनको उनसे ये अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। चलिए, ये चीज समझ में आई कि तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या करता है, बड़े पृष्ठों से परावर्तन अधिक होता है, जैसे दीवार, पहाड़ और पृथ्वी तल। अब मान लीजिए पहाड़ों में आपने देखा होगा कि आप कुछ भी पहाड़ों पे चिल्लाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हिल स्टेशन आप विजिट करने गए, घूमने गए, और यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ पे भी एक क्या है, पहाड़ है। आप यहाँ पे खड़े हैं कहीं पे और आपने यहाँ से चिल्लाया, तो क्या करेगा, वेव जो है वो इस तरह से जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये ऑब्स्टेकल आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वापस से क्या करेगी, आपकी तरफ आएगी, इसको ये जो साउंड है वो वापस से सुनाई देगा इसको। क्लियर हुआ? तो चलिए, जो ये है आपका परावर्तन, ये पहाड़ों से आप देख सकते हैं, पहाड़ों में होता है क्योंकि बड़ा ऑब्स्टेकल है। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं कि इस परावर्तन के, ध्वनि परावर्तन के उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो ध्वनि परावर्तन जो है इसके यूजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। और इसके यूजेस देखिए, एक तो ये कि मेगाफोन जो लाउड स्पीकर होते हैं उनमें क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत ही काम में आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट इन तीनों में से अगर कोई है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि ये मेडिकल साइंस में यूज़ होता है और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ है। तो आपको पूछा जा सकता है कि स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पे काम कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है।
अब लाउड स्पीकर या मेगाफोन जो है इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि लाउड स्पीकर हुआ, मेगाफोन हुआ या फिर जो सहनाई वगैरह होती है, इनकी क्या होती है, एक स्पेशल शेप रहती है। आपने देखा होगा लाउड स्पीकर की शेप कुछ इस तरह से रहती है, वो इनका जो साउंड बनता है वो कुछ इस तरह से इनकी शेप रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी बैटरी वगैरह है, अब मान लीजिए इस तरह से शेप है, तो होता क्या है कि यहाँ से अगर साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, ये साउंड चारों दिशाओं में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में ही भेजना है। तभी तो हमने इसका जो मुंह है, मुख जो है वो इस तरफ ही ओपन रखा है, क्लियर है। हमें इस साउंड को इस तरफ ही भेजना है, इसलिए क्या किया, ये जो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी साउंड, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी इधर जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके साउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और यही पर्पज था लाउड स्पीकर का, ठीक है। तो ये अपना मकसद हो गया, क्लियर हुआ। तो लाउड स्पीकर का यही सिद्धांत होता है कि ध्वनि जो है वो इस जो आवरण होता है इससे प्रावर्तित होकर एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, क्लियर हुआ। ये कि लाउड स्पीकर क्या होता है, स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के प्रावर्तन जो होता है उसी के कारण क्या करता है, हृदय की धड़कने सुन पाता है। उसके बाद ध्वनि बोर्ड, ये क्या होते हैं, वक्राकार यानी एक कर्व्ड बोर्ड होते हैं, और कर्व्ड बोर्ड जो है वो क्या करते हैं, किसी भी मान लीजिए सेमिनार चल रहा है या कुछ और कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, तो वहां पे मान लीजिए भाषण चल रहा है किसी का, तो एक हॉल में क्या होता है कई बार ध्वनि जो है वो प्रावर्तित होती है, और उसके कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो आप क्लियरली उसको सुन नहीं पाते, जो वहाँ पे स्पीकर है उसको क्लियरली नहीं सुन पाते कि वो एग्जैक्ट बोल क्या रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ध्वनि बोर्ड पीछे की तरफ रखे जाते हैं, ठीक है। तो ध्वनि बोर्ड रखे जाने के कारण क्या होता है, मान लीजिए लास्ट में क्या कर देते हैं, ध्वनि बोर्ड रख देते हैं इस तरह से वक्राकार, ये क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं। अब ये रखने के कारण क्या होता है कि ध्वनि प्रावर्तित होकर हर कोने में पहुँच जाती है, ठीक है। अलग अलग मतलब वक्र जो शेप है इनकी, कर्व शेप है, उसके कारण क्या होती है, ध्वनि प्रावर्तित होकर अलग अलग कोने में भी पहुंच जाएगी, उसके कारण उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वहां तक ये आवाज़ पहुंचेगी और उनको क्लियरली सुनाई देगी, ठीक है। इसलिए इन ध्वनि बोर्डों का यूज किया जाता है। तो आई थिंक ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो ध्वनि प्रावर्तन के यूजेस हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस चीज़ को जरूर याद रखना, स्टेथोस्कोप को, ठीक है, ध्वनि का प्रावर्तन सिद्धांत। चलिए अब देखिए साहब, इको क्या होता है, यानी कि प्रतिध्वनि क्या होता है, इम्पोर्टेंट बनता है ये, इको या प्रतिध्वनि क्या होता है। अब ध्वनि का प्रावर्तन हमने पढ़ा, उसी से बिल्कुल रिलेटेड ये चीज़ है कि जब ध्वनि से प्रावर्तित होकर ध्वनि जो है वो अवरोधक से प्रावर्तित होकर के वापस आती है, तो हमें जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को ही क्या बोला गया है, हमें जो ध्वनि सुनाई गई है उसी को क्या बोला गया है, प्रतिध्वनि बोला गया है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ये पहाड़ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक और पहाड़ है, अब क्या कर हो रहा है, अब साहब ये हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कुछ भी, ठीक है, ये बोला, तो बोलने से क्या होगा कि वेव जो है वो चलेगी यहाँ से, और वेव क्या करेगी, इस तरह से मोशन करेगी, इस तरह से वेव चलेगी कंटिन्यूअस। तो अब ये वेव क्या होगी, यहाँ से अब ये ऑब्स्टेकल आने के कारण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के कारण वेव वापस से क्या करेगी, इस तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे आएगी तो इसके कानों को जो इसने वर्ड बोला था, मान लीजिए इसने बोला था हेलो, ठीक है, अब ये वर्ड बोला था तो ये थोड़े टाइम के बाद इसको दोबारा सुनाई देगा। अब मान लीजिए कि ये पहाड़ पीछे से थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्वनि पीछे और आगे जाएगी और यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर ये ध्वनि वापस से इधर आएगी और फिर वापस से इस तरफ, मतलब कंटिन्यूअस इसका क्या होगा, प्रोपागेशन होगा। लेकिन होता ये है कि पहली बार जो इंटेंसिटी थी, पहली बार जो इसकी प्रबलता थी वो दूसरी बार नहीं रहेगी, मतलब हर बार इसकी प्रबलता कम होती जाएगी, जो ध्वनि पहली बार में इसको सुनाई दी थी उतनी तेज दूसरी बार में सुनाई नहीं देगी, तो हल्के हल्के क्या होती जाएगी, टाइम के साथ वो धीमी होती जाएगी और एक टाइम पे बंद हो जाएगी, क्लियर हुआ। तो ये जो ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इस ध्वनि को ही बोला गया है ध्वनि का इको, या फिर ध्वनि का प्रतिध्वनि या फिर इको बोला गया है। तो आई थिंक प्रतिध्वनि आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जब साउंड आती है, होल से भी ध्वनि रिफ्लेक्ट होती है। मान लीजिए एक कमरे में आप बैठे हैं,
ठीक है, जो खाली हॉल होता है कॉन्फ्रेंस हॉल जिसको बोल देते हैं, उसमें अगर कुछ भी नहीं है, कारपेट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, पर ठीक है कर्टन्स वगैरह कुछ नहीं है, पर्दे वर्दे कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है इस हॉल में जब आप यहाँ पे कोई वक्ता बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी ध्वनि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, मान लीजिए यहाँ पे श्रोता खड़ा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंचेगी, और ध्वनि यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके इसके पास पहुंचेगी, यहाँ से भी, तो इस तरह से क्या होता है, खाली जो जगह होती है वहां से क्या किया जाता है, ध्वनि अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होती है। इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता होगा कि कारपेट लगाए जाते हैं, ठीक है, दीवारों को क्या बिल्कुल कवर कर दिया जाता है, और ये सारी चीजें हैं जिससे ध्वनि के रिफ्लेक्शन से बचा जा सकता है। अब देखिए ये चीज आई थिंक आपको प्रतिध्वनि है वो आपको क्लियर हो गया कि इको क्या होता है, परावर्तन के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है उसी को इको बोलते हैं। जैसे हॉल में चिल्लाने पर प्रतिध्वनि सुनाई देती है, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, अगर हॉल में आप चिल्लाओगे तो कुछ टाइम पे वही आवाज आपको सुनाई देगी। क्लियर हुआ? और देखिए भाई हमारे मस्तिष्क पर क्या होता है, ध्वनि की संवेदना जो है वो 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड के लिए रहती है, ये चीज आपको पता है। और हमने जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि हमारे जो शरीर मतलब हमारी आंखों पर प्रकाश का जो संवेदना है वो कितने टाइम तक रहती है, 1/16 टाइम के लिए रहती है, 1/16 सेकेंड के लिए रहती है, लेकिन प्रकाश के लिए, सॉरी ध्वनि के लिए क्या है, 1/10 सेकेंड है, प्रकाश के लिए 1/16 सेकेंड है। ये क्लियर हो? अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रतिध्वनि इस इतने टाइम पीरियड से पहले ही आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब आप उसमें क्लियरली नहीं सुन पाओगे, जो साउंड है उसको क्लियर नहीं सुन पाओगे। लेकिन अगर वो प्रतिध्वनि आपको 1/10 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है ना, तो आप उस प्रतिध्वनि को आसानी से सुन पा रहे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहां से साउंड आई और ये साउंड यहां तक आपके पास पहुंच रही है। क्लियर हुआ? अगर ये साउंड पहुंची उसके बाद दूसरी जो साउंड आएगी रिफ्लेक्ट होके या कैसे भी, वो क्या करेगी, अगर इतने टाइम पीरियड के बाद आती है, 0.1 सेकेंड के अगर बाद आती है, तब तो आपको सुनाई देगी सही से। अगर इतने टाइम के बाद नहीं आती है तो क्या होगा, वो आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब एक होता है ना शोर हो जाता है कि आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि दो दो जो ध्वनियां हैं वो एक साथ आ रही है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो संवेदना है वो तो हटी नहीं, उससे पहले ही आपके पास क्या आ गई, दूसरी आवाज आ गई। तो ये है कि ध्वनि की जो संवेदना है वो मस्तिष्क पे क्या रहती है, 1/10 सेकेंड्स के लिए रहती है। तो अगर आप क्लियर किसी ध्वनि को सुनना चाहते हैं तो कम से कम इतना टाइम गैप तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जो स्रोत है सोर्स है उसके बीच की एक दूरी होती है और वो होती है 17.2 मीटर। ठीक है, अगर इतनी डिस्टेंस पे अगर कोई श्रोता और वक्ता खड़े हैं तो इसको जो ध्वनि है वो क्लियर सुनाई देगी। क्लियर हुआ? तो ये सारे ये कुछ फैक्ट थे, एक तो ये है और ये फैक्ट है जिनको आपको याद कर लेना है, क्या पता कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इसका यूज क्या है, ध्वनि की जो जो प्रतिध्वनि हम पढ़ रहे हैं इनका यूज क्या है और कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए इससे क्या होता है कि हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई या फिर दूर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए समुद्र की गहराई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए क्या होता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे पानी पूरा है समुद्र में और यहाँ से हम इसकी गहराई नाप रहे हैं, तो ये होता है कि अगर आप यहाँ से बोलोगे तो ध्वनि क्या होगी, लास्ट तल से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। ठीक है, तो ये प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ध्वनि की चाल पता है, ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग मीडियम में कितनी होती है वो आपको पता है, तो क्या करेंगे, ध्वनि की चाल अगर पता है तो आप इस टाइम पीरियड को नोट कर सकते हैं कि यहाँ से ध्वनि गई और वापस आने में इस प्रतिध्वनि को कितना टाइम लगा। ठीक है, कहने का मतलब आपके बोलने के कितने टाइम बाद आपको वापस से ध्वनि सुनाई दी। क्लियर हुआ? तो अगर ये टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, तो ध्वनि की चाल आपको पता है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इस ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाएगी, इसकी गहराई हो जाएगी। क्लियर हुआ? सिमिलर कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, वायुयान की ऊंचाई के लिए और दूर स्थित पहाड़ी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्रतिध्वनि कितने टाइम पीरियड के बाद आपको सुनाई देती है वो नोट कर लीजिए और उससे ध्वनि की जो चाल है वो आपके पास है ही, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बढ़ते हैं कि अनुरणन जो होता है, रिवर्बरेशन, ये क्या होता है।
अब देखिए, आप कई बार आपने नोट किया होगा कि हॉल वगैरह में जो होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, उनमें क्या होता है, आप कुछ बोलते हो लेकिन बिल्कुल खाली होना चाहिए, तब क्या होता है, आप कुछ बोलते हो तो कुछ समय बाद तक वो आवाज़ आपके सामने रिपीट होती रहती है, मतलब वो आप आवाज़ जो है वो सुनाई देती रहती है, आप चुप हो गए उसके बाद भी सुनाई देती है, तो वो जो आवाज़ सुनाई देती है कुछ समय बाद भी, उसको बोला गया है अनुरण या फिर रिवर्ब्रेशन। ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है, इसी को क्या बोला गया है, अनुरणन बोला गया है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड होता है कि ध्वनि जो श्रोता है उसने बंद कर दिया बोलना, उसके बाद भी आपको कितने टाइम तक सुनाई दे रहा है, वो टाइम जो है वो कहलाता है आपका अनुरणन, ठीक है। क्या कहलाता है, अनुरणन काल। चीजें क्लियर हुई। इसका एग्जाम्पल है बादलों की गरजना। अब होता क्या है कि जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है, आपको वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी गड़गड़ाहट जो है वो आपको थोड़े टाइम के लिए सुनाई देती है, तो वो क्या है, अनुरणन ही है, रिवर्ब्रेशन ही है, बादलों की गर्जना। इसमें होता ये है कि ये क्या है, बार बार परावर्तन होता है ध्वनि की सतह से, बादल जो है यहाँ से बादलों ने क्या किया, गर्जना शुरू किया, और यहाँ पे ध्वनि की सरफेस है, तो बादलों के यहाँ से साउंड आती है वापस से चली जाती है, आती है और वापस जाती है, तो बादलों और पृथ्वी की सतह के बीच बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है, जिसके कारण आपको बादल जो है उनकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। क्लियर हुआ। तो ये है रिवर्ब्रेशन, जिसका एग्जाम्पल है बादलों की गर्जना। चलिए अब आप ये चीज देखिए कि हॉल के अंदर अनुरणन काल की निर्भरता, ये किस किस चीज पे निर्भर करते हैं। मान लीजिए एक हॉल में आप बैठे हैं तो क्या करें कि इस अनुरणन टाइम को है वो कम किया जा सके। तो चलिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि हॉल का आयतन कितना है, ठीक है, आयतन पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो अगर आयतन के ऊपर क्या करेगा भाई, अनुरणन काल जो है वो मतलब आवाज़ कितनी सुनाई देगी वो आयतन पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अवशोषक पदार्थों का क्षेत्रफल, कि कितने अवशोषक पदार्थ हैं। अगर अवशोषक पदार्थ आपने लगा रखे हैं, चारों दीवारों को कवर कर रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो गेट और विंडो वगैरह हैं उन पर आपने कर्टन्स लगा रखे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर अनुरणन काल बिल्कुल ही कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पर ध्वनि जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और वहाँ पर इको या फिर रिवर्ब्रेशन नहीं बनेगा। क्लियर होगा। और नॉर्मली ये जो होल वाली आवाज़ें हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि होल गूंज रहा है, ठीक है, गूंजना मतलब क्या है, वहाँ पे रिवर्ब्रेशन हो रहा है, ठीक है, और साउंड क्लियर सुनाई नहीं दे रही। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल देखिए, तो इसका एग्जांपल सर ये है कि सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी तथा सरंध्र पर्दों से ढकी होती है। जो सिनेमा हॉल की दीवार है वो क्या होती है, खुरदरी बनाई जाती है, क्यों, कि जिससे कम रिफ्लेक्शन हो, और साथ ही साथ पोरस पर्दों से, मतलब जो बड़े बड़े आकार के पर्दे होते हैं उनसे क्या हो जाती है, उन पर्दों से ढकी रहती है, जिससे क्या होती है, साउंड मतलब जो है वो क्लियर सुनाई दे सके और ये रिवर्ब्रेशन ना हो वहाँ पे उस हॉल में, और खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे लगाए जाते हैं। तो ये है कुछ रिवर्ब्रेशन के एग्जाम्पल्स, और आई थिंक आपको परावर्तन, इको, ठीक है, परावर्तन, इको यानी कि प्रतिध्वनि, और रिवर्ब्रेशन यानी कि अनुरण, ये तीनों जो काल, ये तीनों जो टाइम, मतलब ध्वनि के जो रूल हैं वो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। प्रकाश की तरह ही ध्वनि का परावर्तन होता है और साथ ही साथ इनके यूजेस भी हैं। तो चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ गुरु विद्या में। धन्यवाद।